अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से शुरू हो रही है। इसके लिए सुरक्षा चाक चौबंद है और जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए पवित्र गुफा के बाहर कैंप लगाने का काम तेजी से चल रहा है और गुफा के दोनों रास्तों पर बर्फ को साफ करने का काम भी पूरा हो चुका है। यात्रा के बेस बालटाल और पहलगांव में भी कैंप लग चुके हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा में कई दिनों तक चलेगी और जो 29 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग अपना पंजीकरण इस यात्रा के लिए करवा चुके हैं। तो 2 जुलाई से शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना होने पाए और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए पवित्र गुफा के बाहर कैंप लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। वहाँ अगर बात की जाए रास्तों की, तो गुफा के दोनों रास्तों पर बर्फ को साफ करने का काम भी पूरा हो चुका है और यात्रा के बेस कैंप बालटाल और गांव में भी कैंप लग चुके हैं। आपको बता दें कि पहला जत्था जो है वो 1 जुलाई को रवाना किया जाएगा और इस साल अमरनाथ यात्रा जो है वो 29 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी और करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग अपना पंजीकरण इस यात्रा के लिए करवा चुके हैं और इस यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध प्रशासन द्वारा किए गए हैं। पूरा इलाका जो है अच्छी तरीके से सिक्योरिटी ग्रिड वहाँ पे लगाई जा चुकी है और आने वाले समय में हमारा जो पूरा इलाका रहेगा जहाँ से यात्रा आती है, जवाहर टनल से अगर हम लेके चलें ऊपर पहलगाम तक का और इधर जो बालटल के लिए जो रास्ता जाता है नेशनल हाईवे का, इस पूरे इलाके में हम डबल टीयर सिक्योरिटी का सिस्टम रख रहे हैं। आर्मी ने अपना डोमिनेशन शुरू कर दिया है जो कि एक ओवरऑल यात्रा में प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी का काम करेगा और हम CAPF से के साथ मिलके पूरा यात्रा शांतिपूर्वक हो जाए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। ऐसे घूमने आया हूँ बट यात्रा का अरेंजमेंट देखकर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है आने वाली यात्रा बड़ी सुविधाएक रहेगी, मंगलमय रहेगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। बहुत अच्छा लगा हमें कि यहाँ पे यात्री की सेवा इतनी हो रही है, आर्मी ने कितना कैप्चर किया हुआ है एरिया को। हम चाहते हैं कि हम भी आए जब यात्रा शुरू हो, क्योंकि हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। कोई भी ऐसा थ्रेट परसेप्शन मुझे नहीं लगता है, लेकिन हमने अपने तरीके से जो हमारा ग्रिड होता है सिक्योरिटी ग्रिड, उसमें 3 टायर इंतजाम होता है। उसमें पुलिस का इंतजाम रहता है, उसमें CRPF का इंतजाम रहता है, उसमें आर्मी का इंतजाम रहता है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।